ग्रीन ग्रीन होएगा तो क्या ना ग्रीन कलर है। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरेंट तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। टॉरेंट तनुजा में आपका स्वागत है। शुभ दीपावली सबको। आई होप आपका ये जो फेस्टिवल है अच्छे से कटे, दिए जलाए, आप खुशहाली रहे, पैसे की कोई कमी ना रहे, हेल्थ अच्छा रहे सबका फैमिली में। और चलो मैं यहाँ पे सज गई हूँ एक कॉटन स्कर्ट पहन के, एक जॉर्जेट का मैंने टॉप पेयर किया है, तारा ने भी क्यूट सा ड्रेस पहना है और मैं यहाँ पे पोज दे रही थी तो राजू बहुत खिल्ली उड़ा रहा था मेरा। तो एनीवेज ये है मेरा कॉम्प्लेक्स जहाँ पे रहती हूँ और सबने यहाँ पे बहुत दिल से यहाँ पे घर सजा रखा है। लक्ष्मी माँ का वेट कर रहे कब वो घर पर आए और कब उनको ब्लेस करे। और हम निकल रहे हैं काली पूजा के लिए। तो काली पूजा सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग दिवाली एंड बंगालीज में होता है, बट काफी अलग अलग रिलीजन कास्ट के भी लोग आते हैं यहाँ पे मनाने के लिए। एक्चुअली दुर्गा पूजा से ही स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल्स। तो दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, फिर काली पूजा होता है, फिर होता है जगदात्री पूजा। तो यहाँ पे काली माँ को मिलने आ गए हैं। ये है हमारा फर्स्ट मंडप एंड फिर यहाँ पे है सेकंड मंडप। तो यहाँ पे भी जो ये मंडप है ना काफी अच्छा सजाया था, आप डेकोरेशन से समझ ही सकते हैं कि कितना ग्रैंड लग रहा है। मतलब जो ग्रीन एमरल्ड कलर यूज किया है उसके ऊपर ये जो कैंडल लिट है पूरा हर जगह, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये काली माँ का फेस भी ना बहुत फिरोशियस ऐसे लग रहा था, ऐसे देख के ही लग रहा था कि अब उन्होंने कितने लोगों का वध किया है और बस अब बहुत गुस्सा है यहाँ पे। तो मूर्ति काफी अच्छी लगी मुझे, डेकोरेशन काफी अच्छा लगा। और भी बहुत सारे मंडप में जाना है तो आप एकदम बने रहिए ये वीडियो में। तो तारा को हम कितना कोशिश कर रहे थे तैयार करने का, उसको हेयर बैंड्स लगाओ, क्लिप लगाओ, कुछ भी लगाओ, विद इन 5 मिनट्स वो निकाल देती है ये लड़की। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब तारा के बाल भी बड़े हो गए ना तो थोड़ा ऐसे टाई किया हुआ, ऐसे क्यूट से इतने ये क्लिप्स आते हैं बच्चों का तो देख के मन करता है खरीद लूं। खरीद भी लेती हूँ बट पहनाओ किसको, तारा जब पहनती नहीं है। तो यहाँ पे सती जी और उनके हस्बैंड का स्टैचू है, यहाँ पे भी हमने प्रे कर लिया, तारा को भी मैंने दिखा दिया। एंड जैसे जितना आप ट्रैवल करते हो, जितना आप जगह घूमते हो, उतना ही बच्चों का भी नॉलेज बढ़ता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ पे अंकल ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी जरा वीडियो में ले लो, आपके चैनल का नाम क्या है, उन्होंने ऑन द स्पॉट सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, सामने से कभी पूछ लेते हैं कि आपके चैनल का नाम क्या, व्लॉग कर रहे हो, मुझे भी ले लो व्लॉग में, तो अच्छा लगता है ये चीज से। यहाँ पे देखो दिया जला रहे है, ये रास्ते पे निकलो ना तो बहुत अलग अलग टाइप का सेलिब्रेशन दिखता है। हर किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है, बट एंड ऑफ द डे हर कोई खुश रहे, हर किसी के घर में सफिशियंट रिसोर्सेज हो, सफिशियंट रिसोर्सेज में अगर कोई बीमार हो तो दवाई रहे, कोई पढ़ना चाहे तो उतने पैसे हो कि हम सामने वाले को पढ़ा पाए। तो बस भगवान से यही प्रार्थना हमेशा रहता है कि जो बेसिक रिसोर्सेज है वो कभी किसी के घर में कम ना हो। तो यहाँ पे भी काली माँ है, यहाँ पे भी डेकोरेशन कितना सुंदर है, सीसीटीवी रखा लगाया था फॉर प्रिकॉशन बोलो या प्रोटेक्शन बोलो। तो ये भी मंडप बहुत अच्छा सजा था। अब निकल रहे थर्ड मंडप के लिए। तो आज का जो व्लॉग होगा यहाँ पे आपको रास्ते पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बिल्डिंग्स में दिया कैसे लगाते, लाइट्स कैसे लगाते, वो सब आपको दिखेगा। मैं जब अब तक तो मैंने सिर्फ मुंबई का ही ये देखा था दिवाली, बट लास्ट ईयर मैं बहुत खुशनसीब थी जो मैं बाय रोड ट्रिप जा पाई थी कोलकाता। एंड आप समझ ही सकते हो मुंबई टू कोलकाता बाय रोड में गई थी, तो कितने अलग अलग स्टेट से गुजरी थी एंड हर स्टेट का मैंने स्ट्रीट फूड टेस्ट किया, फिर वहां के लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, वहां पे दिवाली कैसे मनाया जाता है, हर चीज मैंने ऑब्जर्व किया एंड बहुत अच्छा लगा था। वो एक्सपीरियंस भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया रहेगा तो मेरे चैनल में वो वीडियो अभी भी है, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर काली पूजा था ये कोलकाता में, तो वहां का वाइब अलग था, यहाँ का वाइब अलग है। तो हर जगह का ही अपना अपना एक वाइब है, बट जब मैं वहां पे सेलिब्रेट कर रही थी ना, मेरे दिल में ना कहीं मैं मिस कर रही थी मेरे घर को, क्योंकि दिवाली में ही हम लक्ष्मी पूजा ये सब पूजा तो हर दिन होता रहता है, बट एक ग्रैंड ऐसा जो होता है ना दिया लगा कर घर सजाते, तो मैं जब कोलकाता में थी मैं अपना घर नहीं सजा पा रही थी। तो वो मुझे एक बैक ऑफ द माइंड था कि मैं यहाँ पे एंजॉय तो कर रही हूँ बट मेरा घर अंधेरा हुआ है, वहां पर कुछ सज नहीं रहा है। इसके लिए फिर मुझे ऐसे लगा, मैं राजू को वही बोल रही थी, दिवाली में कहीं नहीं जाएंगे, दिवाली में अपने घर ही रहेंगे,
फिर ट्रैवल कभी और करेंगे हमेशा। सो एनीवेज देखेंगे कब तक ये हो पाएगा। काफी बार कैसा होता है ना, कुछ कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि वही टाइम पे तुमको निकलना भी रहता है, बट मेरा मन और मुझे अच्छा लगता है ज्यादा मेरे घर पे दिवाली मनाने के लिए। तो ये रास्ता आप देखो कैसे सज गया है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, ये भाईंदर का है लोकेशन, मुंबई में भाईंदर, मुंबई भी बोल सकते हो, थाने भी बोल सकते हो। ये बोंगो सोंगो जो है ना, काफी पुराना जगह है जहाँ पे मतलब काफी सालों से, मैं अभी आपको एग्जैक्ट ईयर्स तो नहीं बता पाऊंगी, बट काफी सालों से सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। हर बंगाली रिचुअल्स के जो भी पूजा सब होता है ना, हर चीज होता है यहाँ पे। तो बोंगो सोंगो में बहुत अच्छा टाइम बीता, डांस देख लिया, फोक सॉन्ग सुन लिया, नाश्ता कर लिया, दर्शन हो गया, वहां से खुश होके निकल ही रहे थे। ऑन द वे मुझे पीसी दिख गए, पीसी फिर मेरी दो बहनें रितिका एंड रोशनी और सोना पीसी भी दिख गए, तो यहाँ पे भी अच्छा लगा। और फिर हम चले गए बोनी के यहाँ पे। बोनी मतलब मेरी ननन, राजू की सिस्टर, उनका वो एक मेंबर है काली पूजा, मतलब काली पूजा जो सेलिब्रेशन होता है वहां पे, तो इसके लिए उनका पूरा फैमिली बिजी था, जीजू भी बिजी थे, तोजो भी बिजी था, तो हमने यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बिताया। डेकोरेशन, फोटो, काली माँ का दर्शन कर लिया, एंड ये कंपैरेटिवली ना खाली जगह था थोड़ा, तो इसके लिए राजू का, तारा का थोड़ा फोटो शूट मैंने यहाँ पे कर लिया। तो जो यहाँ पे ना फ्लॉन्ट कर रहा अपना आईडी कार्ड, एंड तो तारा भी पता नहीं कुछ तो बात कर रही थी, तो इनका बात हो गया तो हम निकल गए। ऑन द वे हमको ये गोला का स्टॉल दिख गया, तो काफी टाइम हो गया था गोला नहीं खाया, तो यहाँ पे फ्रेंड की नाम त्रिशु, नाम त्रिशु, नाम की तू त्रिशु बोल चा वाले ना, क्यूट ना मेरी, हाय दादा दादा तुम्हारा।
तो आप लोग ने अगर दुर्गा पूजा का मेरा व्लॉग देखा है तो आप समझ ही गए रहोगे मैं आई कहाँ पे हूँ। तो मैं उन फैमिली के साथ ही मैं सेलिब्रेट करने आ गई हूँ काली पूजा। तो यहाँ पे 108 दिया लगाए हैं और अच्छा लगता मुझे यहाँ पे इनके साथ सेलिब्रेट करने, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड इतना कुछ नहीं होता, काफी जो भी सेलिब्रेशन होता है काफी होमली लेवल पे होता है, डेकोरेशन में इतने पैसे नहीं खर्च हुए होते एंड मूर्ति भी बहुत छोटी होती जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाए एंड अच्छा लग रहा था यहाँ पे 108 दिया में। तो अभी ये सब देखने के बाद ना मुझे भी ऐसे लग रहा है जब मेरे घर में भी पूजा हो तो मैं भी ऐसे ही कुछ करूँ। यहाँ पे प्रसाद बट रहा है एंड अब देख लीजिए ये पूरा माहौल कैसा है, एक बहुत घरेलू माहौल है। जब दुर्गा पूजा भी जब सेलिब्रेट कर रहे थे, जब पूजा हो रहा था तभी भी बहुत वो घरेलू माहौल ही था, ऐसे बहुत ऐसे शोर शराबा नहीं, रिचुअल समझ में आ रहे थे कि अब कौन सा हो रहा है। यहाँ पे रंजीता दीदी ये प्रसाद का थाली लेकर खड़ी होगी, काफी सुंदर लग रही थी ये साड़ी में। और यहाँ पे जो भोग का थाली है जो काली माँ को हमने दिया था वो रख दिया, और उसके साथ ही जो फूड है वो सर्व किया जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा भोग में से हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है सो दैट काली माँ का प्रसाद हर किसी को मिले। तो तारा ने तो बहुत एंजॉय किया, ये जो पायस है जो हम खीर बोलते हैं हिंदी में, तो बंगालीज में वो गोविंद भोग चावल का बनता है, तो ये तारा बहुत एंजॉय करती है। और यही जो मैं बोल रही थी ना आपको, जो एक होमली वे में सेलिब्रेट होता है, यही देखिए इतने नजदीक से मैंने काली माँ के दर्शन किए। और यहाँ का जो सेलिब्रेशन है, यहाँ का जो ऑर्गेनाइज किया है ये पूजा, काफी एकदम रॉ तरीके से है, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं, कोई ज्यादा ये नहीं, डेकोरेशन नहीं, बहुत मिनिमल है, बहुत बेसिक है, बहुत बट बहुत कनेक्ट करता मेरे दिल से। तो काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे ये इसको श्री बोलते हैं, मैंने आपको दुर्गा पूजा में भी बताया था। तो ये एक ऐसा है जो चावल के आटे का बनता है, यहाँ पे जो घट रहता है पूजा का हम बिठाते हैं तो वो यहाँ पे सज गया है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, पूजा का पूजा भी किया बट हमने फिर फैमिली के साथ ये भी जो ये होते फायर क्रैकर्स वो भी हम लोग ने जलाए यहाँ पे। काफी लंबा ब्लॉग हो गया बट थैंक यू बने रहने के इस ब्लॉग में। आई होप मैं आपको थोड़ा एंटरटेन कर पाई हूँ इस ब्लॉग के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।